एस वी पी एच टू प्रेजेंटेशन ऑन चैप्टर नंबर नाइन द किंग्स ब्रेकफर्ट एंड दिस पार्ट वन ऑफ आर प्रेजेंटेशन सो द ऑथर ऑफ दिस पोएम इज एल एके पोए के राइटर कौन है एलन ए मिलने एंड दिस इज अबाउट किंग एंड हिज ब्रेकफर्स्ट पोम का टाइटल क्या है

Now, before we start with our chapter, with our poem, we will go through the story in Hindi. Hindi में जो है हम लोग ये पूरी जो story है जो poem है वो समझेंगे okay? Tell me one thing now. All of you have your breakfast. आप सब लोग अपना breakfast करते हैं right? Now, how fussy are you about your breakfast? Fussy का मतलब चूजी मतलब आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप वही खा खाएंगे ऑलवेज यू you know, नो सातों दिन वही खाएंगे पूरे महीने वही खाएंगे एवरी टाइम इन द ब्रेकफास्ट यू नीड दैट थिंग तो ऐसा अगर होता है ना जो बहुत चूजी होता है उसको बोलते हैं फसी ओके एफ यू डबल एस वाई ओके सो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक ब्रेकफास्ट ही हर दिन खाते हैं और अगर उसमें कोई चेंज हो जाता है तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता सो दे आर फसी अबाउट देयर ब्रेकफास्ट राइट और आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको हर दिन कुछ नया चाहिए राइट करेक्ट सो दिस पोम इज अबाउट अ किंग ओके और किंग जो है वो अपने ब्रेकफास्ट को लेके बहुत फसी है उसे वही ब्रेकफास्ट चाहिए हर दिन और क्या ब्रेकफास्ट चाहिए उसे ब्रेड एंड ब्रेड के ऊपर बटर ओके सो वॉट हैपन्स इन दिस पोम ये जो किंग है वो अपनी क्वीन से एक दिन कहते हैं क्वीन ये जो मेरी ब्रेड है रॉयल ब्रेड रॉयल मतलब शाही अब किंग इज रॉयल राइट तो किंग की जो ब्रेड है वो भी रॉयल होगी सो so किंग क्या बोलता है क्वीन प्लीज गेट सम बटर टू पुट ऑन माई रॉयल ब्रेड ओके क्वीन क्या बोलती है ओके माय लॉर्ड ओके मेजेस्टी ओके एंड देन शी गोज टू डेयरी मेड आप सबको पता है मेड क्या होती है मेड होती है जो घर में काम करती है राइट right? नौकरानी डेरी मेड क्या है जो दूध लेके आती है डेरी मेड ओके okay? जो डेयरी प्रोडक्ट्स लेके आती है ना मिल्क बटर किंग और क्वीन के लिए शी इज कॉल्ड डेरी मेड डेरी आपको पता है राइट सो क्वीन गोज टू डेरी मेड एंड टेल्स द सेम थिंग दैट प्लीज गेट सम बटर बटर लेके आओ किसके लिए फॉर द किंग किंग के लिए ठीक है तो डेयरी मेड जो है वो क्वीन के सामने बो करती है बी डब्ल्यू बो बो मीन्स झुकना किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए हम उसके सामने बो करते हैं ना झुकते हैं ओके सो डेरी मेट जो है वो क्वीन के सामने बो करती है एंड सेज ओके हर मजेस्टी हर मजेस्टी जो होता है वो यूज होता है क्वीन के लिए प्रिंसेस के लिए और हिज मजेस्टी जो है वो होता है किंग के लिए या प्रिंस के लिए सो so, डेरी क्या कहती है ओके हर मजेस्टी इसका मतलब ठीक है महारानी जी एंड देन डेरीमेट मेड गोज टू द काऊ डेरीमेट जाती है काउ के पास और काऊ को बोलती है काउ प्लीज गिव मी सम बटर फॉर द किंग तो क्या बोलती है कि काउ मुझे कुछ बटर दो किंग के लिए अब जो काउ है यहां पे थोड़ा सा एक फनी पॉम है ये यह, काउ यहां पे बोल सकती है तो काउ होती है नींद में शी इज फीलिंग स्लीपी काउ बोलती है सो वॉट इज द काउ से उसको नींद आ रही है काउ को ओके शी इज फीलिंग स्लीपी सो काउ से डेरी मेट प्लीज टेल हिज मेजेस्टी दैट मेनी पीपल नाउ इट डेज लाइक मारमाेट ओके अब मारमाेट क्या होता है ये होता है जैम जो बनता है ऑरेंज से या फिर लेमन से ओके okay? जो आप जैम खाते हैं ना सो दिस इज बेसिकली मार्मलेड सो काउ क्या कहती है दैट मेड डेरी मेड यू प्लीज गो और हिज मेजेस्टी को जाके बोल दीजिए हिज मेजेस्टी कौन? किंग और क्या बोल दीजिए कि आजकल जो है काफी सारे लोग मार्मलेट को लाइक like करते हैं मार्मलेट को पसंद करते हैं सो व्हाट एपन्स डेरी मेट जो है वो बोलती है ओके okay, और वो जाती है क्वीन के पास और क्वीन को बोलती है कि हर मजेस्टी पहले तो क्वीन के सामने बो करती है बो मीन्स झुकती है रेस्पेक्ट के साथ और फिर बोलती है हर मजेस्टी काउ हैज़ टोल्ड मी दैट मैनी पीपल लाइक मार्मलेट नाउ ए डेज तो डेरी डेरीमेट क्या बोलती है क्वीन से कि हर मजेस्टी काउ ने मुझे बताया कि बहुत सारे लोगों को आजकल मार्मलेट पसंद है जैम पसंद है ऑरेंज का ओके सो क्वीन बोलती है फाइन ओके क्वीन जाती है किंग के पास और किंग को बोलती है हिज मजेस्टी मैनी पीपल लाइक मार्मलेट नावे डेज सो वॉट डू यू सजेस्ट so queen says what do you suggest shall we try marmalade on your bread a thick spread of marmalade so queen kya bolti hai his majesty aajkal bahut sare log jo hai marmalade ko pasand kar rahe so aap कि क्या ओपिनियन है आपके जो ब्रेड है ब्रेड के ऊपर हम बहुत ज़्यादा हैवी स्प्रेड जो है मार्मालेट कर दें मतलब बहुत ज़्यादा थिक हम जो है मार्मालेट उसके ऊपर लगा दें ब्रेड के ऊपर फ यू लाइक अब किंग जो है आपको मैंने बताया ब्रेकफास्ट को लेकर क्या होता है फसी होता है उसे अपनी ब्रेड पे अगर बटर चाहिए तो बटर ही चाहिए तो जो किंग है वो हो जाता है उदासके इज सैड नाउ और किंग जो है वो एकदम रोने जैसा हो जाता है राइट right? किंग सेज कि मैं जो है अपने ब्रेकफास्ट को लेके फसी नहीं हूं मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरी ब्रेड पे मुझे बटर मिल जाए कोई मुझे नहीं समझता न? वो बड़ा उदास हो जाता है जैसे आपको कभी अगर आपकी पसंद का ब्रेकफास्ट नहीं मिले तो आप भी क्या फँसी हो जाते हो ना उदास हो जाते हो मम्मी को बोलते हो कोई मेरी पसंद का ध्यान नहीं रखता राइट सो किंग भी जो है उस तरीके से उदास हो जाता है देन क्वीन जो है वो बोलती है ओके हीज मेजेस्टी डोंट वरी एंड देन शी गोज़ टू डेयरी मेड और डेयरी मेड को बोलती है कि यू प्लीज गेट द बटर ट बोलती है ओके हर मैजेस्टी और वो जाती है काऊ के पास और काऊ को बोलती है काऊ प्लीज गेट बटर फॉर द किंग काऊ बोलती है ओके okay, मेरा मतलब वो नहीं था अगर किंग को जो है बटर चाहिए तो नो प्रॉब्लम तो काऊ ने जो है किंग को बटर भी दिया और मिल्क दिया पॉरिज के लिए पॉरिज क्या होती है पॉरिज होती है खिचड़ी ओके okay? राइस की सो so, वो जो है डेरी मेड बटर लेके जाती है क्वीन के पास और क्वीन बटर लेके जाती है किंग के पास किंग जो है वो बटर देख के इतना खुश होता है कि सीढ़ियों जो है सीढ़ियों की जो रेलिंग होती है ना उसके नीचे से ही जंप मार देता है और बोलता है कि देखो मैं फंसी नहीं हूं ब्रेकफास्ट के लिए बट आई वांट बटर फॉर माय ब्रेड एंड देन ही इज वेरी हैप्पी ही ईट्स हिज ब्रेकफास्ट तो इस पूरी स्टोरी में एक फनी किंग है ओके okay? जो अपने ब्रेकफास्ट को लेकर बड़ा फंसी है उसको अगर नहीं मिलता है बटर तो दुखी हो जाता है बट जैसे उसको बटर मिलता है वापस ही इज सो हैप्पी एंड देन ही ईट्स हिस्स ब्रेकफास्ट सो ये जो है पोम एक किंग के बारे में है राइट सो बिफोर वी स्टार्ट विद चैप्टर, लेट अस सी द टाइटल अगेन किंग्स ब्रेकफर्स्ट ओके और नीचे क्या लिखा हुआ है इन विच ही वॉन्ट्स वेरी स्पेसिफिक थिंग्स ओके इन विच मतलब द किंग्स ब्रेकफर्स्ट किंग का ब्रेकफर्स्ट इन विच इन विच मतलब जिसमें ही वॉन्ट्स यहां पर ही कौन है द किंग ओके सो ही वॉन्ट्स वेरी स्पेसिफिक थिंग्स और यहां पर वेरी स्पेसिफिक थिंग्स कौन सी चीज है जो किंग को चाहिए वही चीज चाहिए इस पूरी पॉम में बटर ओके सो वट इज दैट स्पेसिफिक थिंग स्पेसिफिक थिंग का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर चीज वही चीज चाहिए हमें तो उसके लिए क्या आता है स्पेसिफिक थिंग सो इन दिस किंग वॉन्ट ओनली बटर ओके नाउ लेट एस सी कनेक्ट वट इज योर फेवरेट काइंड ऑफ फूड वॉट का मतलब आपको पता है फेवरेट पता है आपको काइंड ऑफ फूड मतलब कौन से टाइप का खाना आपका फेवरेट है देन रिफ्लेक्ट लिस्ट फाइव थिंग्स यू लाइक टू ईट एंड फाइव थिंग्स यू डोंट लाइक तो आप बताइए कौन कौन सी पांच चीजें आपको पसंद है खाने में एंड फाइव थिंग्स विच यू डोंट लाइक एंड गिव रीजन वाई यू लाइक एंड वाई यू डोंट लाइक देन इमेजिन आपको इमेजिन करना है ड्रॉ थ्री थिंग्स दैट यू हैव not eaten before that you would be willing to try आपको क्या करना है आपको draw करनी है कोई भी तीन चीजें draw three things कोई भी जो है तीन food items आप draw करिए that you have not eaten okay that मतलब जो कि you have not eaten आपने नहीं खाया है e a t eat खाना eaten e a t e n eaten means खाया है before जो आपने पहले नहीं खाया है एंड दैट यू वुड बी विलिंग टू ट्राई और जिसको आप विलिंग है आप चाहते हैं क्या करना टू तो ट्राई ट्राई करना ओके सो ड्रॉ थ्री थिंग्स फाइन नाउ कमिंग टू द ऑथर एलिन एलेक्जेंडर मिलने ही इज बेसिकली इंग्लिश ऑथर ओके ये इंग्लिश ऑथर है और ये जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए वहां पर इन्होंने मैथ्स पढ़ा और फिर इन्होंने वर्ल्ड वॉर वन जो वर्ल्ड वॉर वन हुआ था ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसमें जाके इन्होंने लड़ाई भी लड़ी थी सो so, ये जो है ऑथर बेसिकली देखो राइटर भी हुआ इन्होंने पॉम राइट की इन्होंने मैथ्स पढ़ी कैम्ब्रिज में जाके और वर्ल्ड वॉर वन में जाके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाके फाइट भी की सोल्जर की तरह सो ही वॉज लाइक मल्टी टैलेंटेड बहुत सारे काम किए राइट नाउ नाउलेट स्टार्ट विद आर पोम

तो किंग ने क्वीन को पूछा क्वीन ने डेरीमेट को पूछा क्या पूछा कुड वी हैव सी ओ यू एल डी कुड वी हैव सम बटर फॉर द रॉयल स्लाइस ऑफ ब्रेड स्लाइस ऑफ ब्रेड क्या होता है ब्रेड का एक टुकड़ा अब जैसे आप ब्रेड ब्रेड का पैकेट लेके आते हैं तो उसमें कितनी ब्रेड्स होती है ऑलमोस्ट लाइक फिफ्टीन ट्वेंटी ब्रेड्स होती हैं। तो आपने अगर उसमें से एक ब्रेड का पीस उठाया तो उसको बोलेंगे स्लाइस ऑफ ब्रेड ओके सो दैट इज स्लाइस ऑफ ब्रेड और यहां पे रॉयल क्यों यूज हुआ है क्योंकि स्लाइस ऑफ ब्रेड कौन खा रहा है किंग और किंग क्या है रॉयल शाही रॉयल मीन्स शाही आर ओ वाई ए एल रॉयल सो द किंग आज द क्वीन एंड द क्वीन आज द डेरी किंग ने क्वीन को पूछा क्वीन ने डेरी को पूछा क्या पूछा कुड वी हैव सम बटर फॉर द रॉयल स्लाइस ऑफ ब्रेड कु मतलब रिक्वेस्ट है जब आप कोई चीज की रिक्वेस्ट करते हो तो क्या बोलते हो कुड दिस कुड आई हैव दैट दिस इज रिक्वेस्ट तो रिक्वेस्ट क्या हुई कि क्या हमें कुछ बटर मिल सकता है किसके लिए फॉर द रॉयल स्टाइस ऑफ ब्रेड ठीक है ब्रेड के लिए ब्रेड पर लगाने के लिए हमें कुछ बटर मिल सकता है क्या राइट नाउ द क्वीन आज द डेरी मेड द डेरी मेड सेट सर्टेनली ओके क्वीन ने किसको पूछा डेरीमेट को एंड द डेरीमेट सेड सर्टेनली सर्टेनली मतलब श्योर सर्टेनली मतलब श्योर बिल्कुल बिल्कुल महारानी बिल्कुल क्वीन ओके सर्टेनली क्वीन आई विल गो एंड टेल द काउ नाउ अब किसने बोला कि आई विल गो एंड टेल द काउ नाउ क्वीन ने बोला या डेरीमेट ने बोला ओके डेरीमेट सेट दैट क्या बोला डेरी मेड ने आई विल गो मैं जाती हूं एंड टेल द का ना और काउ को अभी बताती हूं tell मतलब कहती हूं बताती हूं राइट सो आई विल गो एंड टेल द काउ नाउ मैं जाती हूं और काउ को बताती हूं बिफोर शी गोज टू बेड अब यहां पर शी किसके लिए आया है क्वीन के लिए आया है या डेरी मेड के लिए आया है या काउ के लिए आया है ओके okay? सो आई विल गो एंड टेल द काउ नाउ बिफोर शी गोज बेड बिफोर शी गोज टू बेड मतलब बिफोर मतलब इससे पहले बिफोर मतलब इससे पहले कि वो सो जाए गोज टू बेड मतलब सोना सो so, इससे पहले कि वो सो जाए मैं जाके मैं जाती हूं और उससे कहती हूं तो यहां पर शी किसके लिए आया है टेल मी यहां पर शी आया है काउ के लिए ओके okay? सो दिस इज अ पोम वैसे नॉर्मल लाइफ में काउस होती नहीं है बट दिस इज अ पोम उसमें फनी पोम है सो यह बता रही है डेरी मेट कि मैं जाती हूं जल्दी से और काउ को बताती हूं इससे पहले कि वो जाके सो जाए काउ राइट द डेरी मेड शी कर्ट सीट सी यू आर टी एस आई ई डी कर्ट सीट मतलब बोर्ड बी ओ डब्ल्यू बो बो मीन्स झुकना रेस्पेक्ट के साथ में इसी का सिनोनिम है curtsied. So the dairy maid, she curtsied and went and told the elderney. elderney क्या होता है? एक cow का type होता है. English cow का type होता है elderney, Okay? ये देखो, this is a English cow. ठीक है? और ये कौन सी breed है? elderney? So the dairy maid she curtsied. Dairy maid जो है वो बो की झुकी एंड वेंट एंड टोल्ड द एल्डरनी और गई और वेंट मतलब गई एंड टोल्ड टेल की सेकेंड फॉर्म है टोल्ड टेल मतलब कहना टोल्ड मतलब कहा किसको कहा एल्डरनी को ये जो काउ है इसकी जो स्पीशीज है उसका नाम है एल्डरनी क्या बोला डोंट फॉरगेट द बटर फॉर द रॉयल स्लाइस ऑफ ब्रेड क्या बोला इसने डेरी मेड ने डोंट फॉरगेट भूलना नहीं क्या नहीं भूलना बटर फॉर द रॉयल स्लाइस ऑफ ब्रेड जो शाही ब्रेड है उसके लिए बटर मत भूलना किसने कहा डेरीमेट दिस टू एल्डरनी एल्डरनी कौन है टाइप ऑफ काउ द एल्डरनी सेट स्लीपीली स्लीपीली मतलब नींद आ रही थी उसको एस ए वाई से मतलब कहना और एस ए आई डी सेट मतलब कहा तो एल्डरनी ने कहा सोते सोते क्या कहा यू वुड बेटर टेल हिज मैजेस्टी यहां पे हिज मैजेस्टी का मतलब क्या है किंग ओके okay? हम बोलते ना महाराज सो so वॉट डिड एल्डरनी से एल्डरनी ने क्या बोला यू वुड बेटर टेल आप मतलब किंग को बताइए हिज मैजेस्टी मतलब किंग को बताइए दैट मैनी पीपुल क्या बताइए ट मतलब की मैनी पीपल बहुत सारे लोग नाउ ए डेज नाउ ए डेज मतलब आजकल एन ओ डब्ल्यू नाउ ए डी ए वाई एस नाउ ए डेज नाउ ए डेज मतलब आजकल लाइक मार्मलेड इंस्टीट इंस्टीट मतलब बजाय तो अब काउ क्या बोलती है यू वुड बेटर टेल हिज मजेस्टी आप हिज मजेस्टी को या किंग को बताइए दैट मैनी नाउ ए डेज कि बहुत सारे लोग आजकल लाइक like मारमाेड उनको क्या पसंद है मारमाेट पसंद है इंस्टीट इंस्टीट मतलब बजाए तो बजाय किसके बटर के ओके okay? आप बोलते ना कि मुझे बटर के बजाय जैम ज्यादा पसंद है सो so आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में आई लाइक जैम इंस्टीड ऑफ बटर ओके सो so, काऊ क्या बोलती है यू वुड बेटर टेल हिज मैजेस्टी आप जाइए और हिज मैजेस्टी को बताइए कि आजकल नाउ ए डेज मैनी पीपल आजकल ज़्यादातर लोग लाइक like मार्मलेट उनको मार्मलेट पसंद है इंस्टीट बजाय बटर के ओके द डेरी सेड सेट फैंसी ओके डेरी मेड ने क्या बोला फैंसी यहाँ पे फैंसी का मतलब क्या है सरप्राइज हो गई वो की अच्छा ऐसा कभी होता ना आपको नई चीज पता चलती है तो आप क्या कहते हैं अच्छा ऐसा so, ने क्या बोला ये है है बोलती ओके अच्छा का मतलब क्या है क्वीन ओके okay? तो डेरी मेट जो है वेंट वेंट मतलब गई गो मतलब जाना जी ओ गो और गो की सेकेंड फॉर्म वेंट डब्ल्यू एन टी ये पूरी किस किसमें है पास टेंस में है तो मेड जो है वो गई हर मेजेस्टी के पास दैट मीन क्वीन के पास शी का मतलब बोव झुकना बी ओ डब्ल्यू बोव और सी यू आर टी एस आई ई डी कर्ट सीट शी कर्ट सीट टू द क्वीन वो क्वीन के सामने झुकी रेस्पेक्ट में एंड शी टर्न लिटिल रेड और वो थोड़ी सी उसको शर्म आई शी टर्नड लिटिल रेड मतलब वो शर्म के मारे थोड़ी सी लाल हो गई अब लाल क्यों हो गई क्योंकि क्वीन ने उसको बोला था कि बटर लेके आ और काउ ने उसको बोला कि बटर की जगह पे मार्मलेट ट्राई करो आजकल कर मार्मलेट ज़्यादा फेमस है तो डेयरी मेड ने जो है क्वीन की बात नहीं मानी ना इसलिए अब उसको शर्म के मारे वो लाल हो गई सो शी टर्नड अ लिटिल रेड वो थोड़ी सी जो है शर्म के मारे लाल हो गई और क्या बोलती है एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी मतलब मुझे माफ़ करिए योर मजस्टी योर मजस्टी यहाँ पर यूज़ हुआ है क्वीन के लिए और मुझे माफ़ क्यों करिए फॉर टेकिंग द लिबर्टी मतलब अपने आप जो है फ्रीडम लेने के लिए क्या फ्रीडम लेने के लिए कि मैं आपको कुछ सजेस्ट कर रही हूँ तो ये एक उन्होंने क्या है डेरी बैंड ने एक लिबर्टी ले ली है राइट सो फॉर टेकिंग द लिबर्टी जो है ये यूज़ होता है माफ़ी मांगने के लिए कि मैं माफ़ी चाहता हूँ फॉर टेकिंग द लिबर्टी मतलब जो है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए मैं माफी चाहता हूं ओके सो एक्सक्यूज मी योर मैजेस्टी फॉर टेकिंग द लिबर्टी मतलब मैं माफ़ी चाहती हूँ मैजेस्टी बट मार्मलेड इज टेस्टी अब उसके बाद में डेरीमेट जो है माफी मांगने के बाद क्या बोलती है बट मार्मलेड इज टेस्टी मार्मलेड जो है वो टेस्टी है इफ इट इज वेरी थिकली स्प्रेड अगर वो जो है बहुत ज़्यादा मोटा जो है स्प्रेड करें लगाएं किस पे ब्रेड पे द क्वीन सेड ओ क्वीन ने क्या बोला अच्छा ऐसा एंड वेंट टू हिज मजेस्टी और क्वीन किसके पास गई हिज मजेस्टी के पास हिज मेजेस्टी कौन किंग के पास तो यहां पे देखिए डेरी मेड जो है वो तो गई थी शी वेंट टू हर मजेस्टी तो डेरी मेट वेंट टू क्वीन क्वीन के लिए क्या आया हर मेजेस्टी राइट एंड इफ यू सी हेयर

बटर के बारे में मैनी पीपल थिंक काफी सारे लोग जो है मैनी पीपल मीन्स काफी सारे लोग थिंक दैट मार्मलेड इज नाइसर ओके सो वॉट डज द क्वीन से टॉकिंग ऑफ द बटर फॉर द रॉयल स्लाइस ऑफ ब्रेड रॉयल स्लाइस ऑफ ब्रेड के लिए जो बटर की जो हम बात कर रहे थे मैनी पीपल थिंक काफी सारे लोग सोचते हैं दैट मार्मलेड इज नाइसर मार्मलेट जो है वो नाइसर मतलब ज्यादा अच्छा है नाइस nice मतलब अच्छा नाइसर मतलब ज्यादा अच्छा वुड यू लाइक टू ट्राई अटल मामलेट इन स्टीट तो यहां पे क्या है क्वीन रिक्वेस्ट कर रही है वुड से चालू हुआ है दैट इट्स अ रिक्वेस्ट कोई भी चीज कुड या वुड से अगर चालू होती है दैट मीन्स इट इज अ क्वेश्चन एंड इट इज अ रिक्वेस्ट सो वॉट क्वीन से वुड यू लाइक क्या आपको पसंद है क्या आप पसंद करेंगे टू ट्राई अ लिटिल मामलेट लिटिल मार्मलेट थोड़ा मार्मलेट जो है वो ट्राई करना पसंद करेंगे इंस्टीड इंस्टीड मतलब बटर के बजाय राइट वी विल स्टॉप हेयर एंड इन द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन वी विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पोम सो यू प्लीज गो थ्रू द पार्ट विच वी हैव डन टूडे एंड लर्न ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स थैंक यू